नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं ऋषि प्रकाश मिश्रा, प्रधान संपादक राजनामा, देश का पहला पाक्षिक अखबार। अब खोलेगा राज। बताते हुए खुशी हो रही है कि पिछले 15 जून 2019 को मैग्सेसे अवार्ड विजेता संदीप पांडे के हाथों हमने इस अखबार का उद्घाटन किया था दिल्ली में, और आज पूरे देश में हमारा अखबार चर्चा का विषय बना है। हम आज 23 जुलाई 2020 को प्रारंभ करने जा रहे हैं राजनामा टीवी, और हम आपसे मिलवाते हैं, इंट्रोड्यूस कराते हैं हमारे सहयोगी राजनामा टीवी के वरिष्ठ संपादक गोपाल भारद्वाज जी से। नमस्कार। हम जानेंगे गोपाल भारद्वाज जी से कि हम क्या करने जा रहे हैं राजनामा टीवी में। देश और दुनिया की राजनीति पर चारों तरफ फैले भ्रष्टाचार, बिल्कुल बिल्कुल, और देश में पांव पसारते सातिर सेक्युलरिज्म पर, यस, सेक्युलरिज्म जो है सातिर, इस पर विशेष नजर रखेगी राजनामा टीवी। और इसके साथ ही जी हम फोकस करेंगे बदमाश बॉलीवुड में हुई सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के ऊपर। ये तो बहुत बड़ा मामला है। हम आत्महत्या मानते ही नहीं, हत्या मानते हैं इसको, और फोकस करेंगे देश में पहली बार ऐसी घटना हुई, ऐसे गैंगस्टर विकास दुबे के द्वारा जो घटना को अंजाम दिया गया, ऐसा पहले कभी देश में नहीं हुआ था। जी बिल्कुल। इन सब चीजों पर रोक लगाने के लिए, लगाम लगाने के लिए हमारा चैनल अपना काम करता रहेगा। अब तरह तरह से इस पर हम लोग और भी सारी रिपोर्ट्स को तैयार करके और भी इसका खोलेंगे राज। बिल्कुल। और दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि आज वैश्विक महामारी कोरोना से पूरी दुनिया तड़प रही है, जलजला आया हुआ है, तो मास्क लगाना आवश्यक है। हम आपसे भी गुजारिश करेंगे कि आप मास्क लगाइए। हम कोरोना पर भी चर्चा करते रहेंगे, कोरोना से बचाव के रास्ते भी आपको बताते रहेंगे, और विभिन्न मुद्दों के साथ साथ हम ये शिक्षा पर चर्चा करेंगे, मेडिकल पर चर्चा करेंगे, और भारतीय राजनीति पर भी चर्चा करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके अलावा हम लोगों को ये बताना है कि पूरे आज झारखंड, बिहार और अन्य राज्य के अंदर में जी जो हमारे रिपोर्टर्स लोग, पूरी टीम तैयार है जी रिपोर्ट को लेकर, एक से एक खुलासा ये राजनामा टीवी करते रहेगा। यही मैं कहना चाहूंगा कि और अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं, और खुलासा हम करेंगे लेकिन हम ब्लैकमेल नहीं करेंगे, हम हिम्मत से काम करेंगे लेकिन हम डरेंगे नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप देख रहे हैं, लॉन्चिंग का डेट है आज। समय समय पर हम लोग और भी कार्यक्रम देंगे इसके अंदर में, चाहे वो राजनीति से जुड़ा हो, स्पोर्ट्स से जुड़ा हो, स्वास्थ्य विभाग है, या फिल्मों से जुड़ा हुआ हो। देखिए गोपाल जी, जैसे जो आज की स्थिति है और जिस तरह से बॉलीवुड अब पूरी तरह से नेस्ता नबूत हो चुका है, तो पूरी फिल्म इंडस्ट्री अब झारखंड की ओर फोकस करेगी। जी, झारखंड में पहले भी बहुत सारी फिल्में बनती रही हैं, मैंने भी बनाई है, और बहुत सारी बॉलीवुड की के फिल्म मेकर्स आकर यहाँ फिल्म बनाते रहे हैं। पिछले 2 सालों से झारखंड में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन होता रहा है, 2020 में भी होगा, ऑनलाइन होगा। और आपको ये जानकर प्रसन्नता होगी कि पूरी दुनिया से इस वैश्विक महामारी कोरोना के बावजूद 65 से ज्यादा देशों की फिल्में झारखंड अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सबमिट हुई हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। चलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।